खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पुलिस आरक्षक के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के द्वारा महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। चूंकि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ था, पुलिस ने आनन फानन में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को धर दबोचा। दरअसल मामला रायपुर कलचुलियान थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली युवती के साथ विगत 2 वर्षों से शादी का झांसा देकर पुष्पेंद्र साकेत निवासी कृष्णा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया था। पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई तो महिला थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही विभागीय कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी है। आरक्षक के विरुद्ध एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसको तत्काल हमने संज्ञान में लेकर महिला थाने में FIR पंजीबद्ध कराई और तत्काल आरक्षक की अरेस्टिंग भी हो गई है और उनको जेल दाखिल कर दिया गया है और विभागीय प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, इसके तहत उनको निलंबित किया गया है। धारा 376 में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, अभी विवेचना प्रारंभ की गई है। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहां आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहां पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.